पानी की बोतल जो थी ना वो बाहर फेंकवा दी हमारी। हम इतना चलेंगे, जहर सी बात है प्यास लगेगी हमें, उसके बाद यहाँ पे पानी की बोतल मिल रही है और अच्छे खासे पैसे मांग रहे हैं पानी की बोतल के। ये कुछ लोग ठहरे हैं जो बाहर निकलो वीज़ा लगा देते हैं, मांगना शुरू कर देते हैं, हालांकि यहाँ पे नहीं चेक कर सकते। अच्छा जी, कज़न को बैग दे दिया, ये लाए थे हमारे लिए बैग और इसके अंदर आराम सारा कुछ, टिकट वीज़ा सब कुछ यहीं पे आ गया था। ग्रुप हमारा आगे चला गया अंदर, तो अंदर चल के दिखाते हैं। एयरपोर्ट के ऊपर अच्छा खासा रश है इस टाइम, तो अंदर चलते हैं जी और आपको दिखाते हैं। मनाजिर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद और आप देख रहे हैं खान टीवी 110। इस टाइम हमारा सफर पाकिस्तान से सऊदी अरब का है। चेकिंग करवाने के बाद बोर्डिंग कार्ड लेने के लिए लाइन में लग चुके हैं हम भी। एयरपोर्ट के ऊपर सबसे पहले आपकी चेकिंग होती है, दूसरे नंबर पे आपको बोर्डिंग पास लेना होता है। इसी मकाम पर सबसे पहले आपको अपनी टिकट दिखानी होती है और उसके बाद फिर आपको बोर्डिंग पास दिया जाता है, जिसके ऊपर आपका सीट नंबर और आपका कौन सा गेट पे जहाज ठहरेगा वो सब कुछ लिखा हुआ होता है। और इसी मकाम पर आपको अपना सामान जमा करवाना होता है, जिसकी चेकिंग आप एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होते वक्त ही करवा लेते हैं। उसके बाद आपको इमिग्रेशन काउंटर पर जाना होता है और वीजा दिखाना होता है। इमिग्रेशन काउंटर पे आपकी पिक्चर भी बनाई जाती है। अच्छा जी, इमिग्रेशन करवा लिया, बोर्डिंग कार्ड मिल गया और सीधा अब हम वेटिंग एरिया की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से ड्यूटी फ्री एरिया शुरू हो जाता है और ये स्वीट्स की शॉप है, यहाँ पे पहुँच गई। ये जी रेनबो कलाकंद ये है और बहुत ही फेमस है, बहुत अच्छी, पहले भी लेके गए थे, इस बार दोबारा लेके जा रहे हैं। इससे भाई से पैक कर दो तो ना, एयरपोर्ट के ऊपर आपको यदि कोई ख़ास अच्छी चीज़ मिले ना मिले, महंगी ज़रूर मिलती है, लेकिन यहाँ पे मुनासिब रेट और VIP। अच्छा जी, मिठाई वगैरह ले ली और सीधा चल रहे हैं आगे वेटिंग एरिया। जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इस साइड पे जी गाड़ियाँ ठहरी हुई हैं बैटरी वाली, ये आपको आगे ले जाती हैं सीधा, और सामने भी एक गाड़ी है। ये थोड़े से टुकड़े के ऊपर ये भी आते हैं कि आप इसके ऊपर ठहर जाएँ, सुकून से आगे चलते जाएँ अगर थके हुए हैं, वरना इलेक्ट्रिक गाड़ी भी चलती है उसके ऊपर भी आप सफ़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अंदर दाखिल हुए, उन्होंने पासपोर्ट वगैरह चेक किया, चेक करने के बाद अंदर हमारा जो है ना सामान चेक किया गया, और उसके बाद फिर सामान चेक करने के बाद बोर्डिंग का मरहला शुरू हो गया। हमने उन्हें कहा है कि हमें जो है ना विंडो वाली सीट देना, अभी देखते हैं आगे जाके कि एयरलाइन के अंदर, कतर एयरलाइन के अंदर विंडो वाली सीट मिलती है या नहीं मिलती। और उसके साथ फिर इमिग्रेशन हुई, इमिग्रेशन ओके कर दिया गया, फिर आगे दोबारा चेक किया गया इमिग्रेशन के ऊपर कि हाँ भाई आया कि ये वहीं बंदा जा रहा है या कोई और है, मतलब इस तरह की जो भी थी उनकी चेकिंग वो की, और मिठाई लेके फिर अब हम आगे की तरफ सफ़र कर रहे हैं। अच्छा जी, वेटिंग एरिया के अंदर पहुँच चुके हैं, एक बार फिर चेकिंग हुई है यहाँ पर। चेकिंग होने के बाद वेटिंग एरिया के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लगभग, और गेट नंबर 25 है हमारा, सामने 26 नंबर है, उसके बाद 25 नंबर, तो हमारा ये 25 नंबर गेट है। यहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स भी बनी हुई होती हैं, ये बनी हुई है, ये भी बनी हुई है, तो हम यहाँ पे इंतज़ार करते हैं और उसके बाद फिर चलते हैं फ़्लाइट के अंदर। हम ये दिखाएंगे तैयार सीट टिकट और अंदर दाखिल हो जाएंगे, बोर्डिंग कार्ड मतलब दिखाएंगे इनको, और ये लाइनें लग चुकी हैं इस साइड पर आप देखें। ये आधा हिस्सा उन्होंने ले लिया और आधा हिस्सा हमें दे दिया। हम पहुंच चुके हैं इस तरह की एक गैली के अंदर, ये सीधा गैली हमें लेके जा रही है कतर एयरलाइन के अंदर। तो अंदर चलते हैं, जहाज की दुआ करेंगे अंदर की वीडियो बनाने की इजाज़त मिले, वरना फिर सही तरीके से वीडियो नहीं बना सकेंगे, मज़ा नहीं आएगा। ये जो मजदूर होते हैं उनके लिए व्हील चेयर का भी इंतजाम होता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। पोर्शन बने हुए हैं जी, ये बिजनेस क्लास का पोर्शन है, ये द बोर्डिंग पास, बिजनेस क्लास से होते हुए जा रहे हैं आगे की जाओ। अच्छा जी, ये सेंटर वाली सीट मिली है हमें, ये वाली, एक हेडफोन पड़ा हुआ है और एक चादर और उसके बाद एक तकिया। अच्छा जी, यहाँ से लैंग्वेज सेट कर लें आप। हेडफोन ये जो दिए जाते हैं वो इस तरह के होते हैं, उसकी इस तरह की दो निपल होती हैं ताकि कोई अपने घर लेके ना जाए।
नाश्ता कर लिया है, बेहतरीन था नाश्ता, सब चीज़ परफेक्ट बनी हुई थी। लेकिन जो है ना वो तकरीबन 1100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही और तकरीबन 2 घंटे के अंदर कतर पहुंचेगा कराची से। और बाहर का जो टेम्परेचर है वो -40 है इस टाइम। की सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई आ रही है, ये देखिए ये बाहर का टेम्परेचर -32 है इस टाइम। ये छोटी सी वाशरूम, इस साइड बेसन है। और जो आम प्लेनों के अंदर, दूसरे प्लेनों के अंदर मैंने देखी है उसकी निस्बत ये वाशरूम बहुत बेहतर है। यहाँ पे एसी भी लगा हुआ है और स्विच भी लगा हुआ है, आप अगर यूज़ करना चाहें। मेरा 110 वाट का है, ठीक हो गया जी। और यहाँ पे डस्टबिन वगैरह डाल सकते हैं, टिश्यू रखे हुए हैं और ये भी रखे हुए हैं, फ्यूम भी रखी हुई है, वेरी नाइस। इनकी वाशरूम वाकई अच्छी है और इनका स्टाफ भी बहुत अच्छा है, VIP सर्विस कतर है। अगर बच्चा आपके पास है छोटा तो इसको ऐसे खोलो, बच्चे को यहाँ पे सुला दो, सुलाने के बाद ये टिश्यू यहाँ से निकालो। मतलब ये कि हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट, किसी चीज़ की कोई गिला नहीं है, कोई ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, लेकिन ये कि जो चीज़ मेरे साथ होती है मैं वो कोशिश करता हूँ आपके साथ भी शेयर करूँ। तो अभी फ़िलहाल दुआ चलते हैं, अभी थोड़ा सा रेस्ट भी करना है, आँखें मेरी लाल हुई है, मुँह धो लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा जी, 2 घंटे के बाद तकरीबन पहुंच गए हैं कतर के अंदर दोहा। मुझे अच्छी खासी नींद आ गई थी और जहाज़ लैंड हो चुका था, उसके बाद जाके जो है ना मेरी आँख खुली। बहुत मज़ेदार नींद आती है, आपको पता है सुबह सुबह की नींद कैसी होती है। ये एयरपोर्ट बहुत ही बड़ा है और यहाँ पर एक के बाद दूसरा इलेक्ट्रिक ये बेल्ट चल रहे हैं। कराची से कतर तक की फ़्लाइट की टिकट थी जिसे बोर्डिंग पास कहा जाता है, वो मैंने ले लिया था कराची से। तो अभी लेना है यहाँ से सऊदी अरब के लिए, तो वो लेते हैं आधे। इस साइड पर जी चेकिंग हो रही है और कनेक्टिंग फ़्लाइट जिसकी होती है उसके लिए, लेकिन हमें सीधा बोर्डिंग पास लेना है अभी सऊदी अरब के लिए दुआ से जी। यहाँ पे हमने बोर्डिंग पास लेना है अपना और फिर आगे चलना है जी। ये कतर का एयरपोर्ट है सारा का सारा। इस साइड पे जो है ना हमने नमाज अदा की इस साइड पर, तो अभी बोर्डिंग कार्ड भी मिल गया हमें। फ़्लाइट थी हमारी कराची से दुआ से फिर सऊदी अरब जाना था हमने, तो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। जो बोर्डिंग कार्ड दिया था कराची के अंदर वो एक दिया था, तो कतर वालों 2 देते थे क्योंकि आप ही की तो आगे हमारी फ़्लाइट थी। फिर यहाँ पे हम आए हैं तो हमें थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे टाइम लग गया, वो ये कहाँ है, ये है, वो है, फिर वो बनना। इनको भी चाहिए कि आप ही की फ़्लाइट हमने बुक की हुई आगे की, तो उसी वक्त बोर्डिंग कार्ड नहीं है तो आप दे दें, अदरवाइज़ और हमने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगा दिया था बोर्डिंग कार्ड देने के लिए। खैर बोर्डिंग कार्ड मिल गया हमें, आगे की जानिब हम अब चलते हैं। नमाज भी हमने पढ़ ली है सुबह की। अच्छा जी चेकिंग करवा ली, चेकिंग करवा के सारा कुछ निकलवा दिया उन्होंने, कहा जी पैसे शैसे भी निकाल के आप इस बॉक्स के अंदर डाल दें फिर हम चेकिंग करें। ये पीछे चेकिंग हो रही है सारी, जितने भी पैसेंजर वहाँ से आ रहे हैं एयरलाइन से जिनकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है वो सारी चेकिंग करवा दी। तो अभी जी नीचे वाले हाल में हम जा रहे हैं, तो खैर सब कुछ उन्होंने निकाल के जब चेक किया तो वो जो गेट से गुजरते हैं तो वहाँ से कोई बेल ही नहीं बजी। मेरी जेब में कुछ होगा तो बेल बजेगी ना, मतलब लोहे वगैरह की कोई चीज़ ही नहीं थी ऐसी। तो खैर फिर उसके बाद आ गए हम सामान ले गए, और पानी तक मेरे जो बैग में था वो ये नहीं लाने दिया गया। गेट नंबर C41 उसको ढूंढना है कतर के अंदर हम फिर रहे हैं। और इस साइड पे ड्यूटी फ्री शॉप्स भी आपको बहुत सारी देखने को मिलती हैं।
कि दुआ है इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर आप रश चेक करें, कनेक्टिंग फ्लाइट का ये भी एक किस्म का दुबई बन चुका है आप, बिल्कुल वैसे रश। और इस साइड पर देखें आप खूबसूरत सी गाड़ियाँ, माशा वेरी नाइस। ये C1 है और इसी तरह जो है ना C2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 3 आ रहा है और मेरा 41 है। मैं सोच रहा हूँ कि कितना दूर रहेगा। अच्छा जी, इस तरह का बेल्ट आ गया, बेल्ट के ऊपर आप सफ़र करते हैं वरना हम इस एयरपोर्ट पे चलते चलते थक जाएंगे। बस आप चलते जाएं चलते जाएं, मतलब इतना बड़ा एयरपोर्ट है। अच्छा खासा चल के आ गए हैं, C41 अभी तक हमें नहीं मिला। हमें ऊपर चला जाना चाहिए था और वहाँ से हमें मेट्रो पर बैठना चाहिए था और C41 की तरफ हम चले जाते बासानी। साइड पर देखें जी आप कितना बड़ा मुजस्मा बना हुआ है, ये चेक कर। यहाँ से हम सीधा आए हैं और इधर सीधा सामने लिखे हुए भी हैं, निशान भी एरो भी बने हुए होते हैं कि कौन सा गेट कहाँ पे। और यहाँ पे देखें दोबारा नीचे भी शुरू हो गए, दोबारा अब नीचे पैदल चलते रहो, वरना इस तरह का सीन है आप देख लें। अच्छा जी, यहाँ पे लिखा पड़ा है 30 से लेके 43 वाले नीचे जाएं, तो अब हम नीचे चलते हैं क्योंकि हमारा C41 है। नीचे बेसमेंट में आ गए हैं, उधर भी एयरपोर्ट जा रहा है, इधर भी जा रहा है और इस सिमत में भी जा रहा है, तो हमने इस सिमत में जाना है। अच्छा आप ये चेक करें कि यहाँ पर किस तरह लोगों को पहले बुलाया जाता है कनेक्टिंग फ़्लाइट के ज़रिए, एयरपोर्ट इस तरह का बनाया जाता है, उसके बाद फिर सही बने पैसे कमाए जाते हैं। आप पानी की बोतल जो थी ना वो बाहर फेंकवा दी हमारी, हम इतना चलेंगे जहर सी बात है प्यास लगेगी हमें, उसके बाद यहाँ पर पानी की बोतल मिल रही है और अच्छे खासे पैसे मांग रहे हैं पानी की बोतल के भी, तो मतलब इस तरह वो पैसे कमाने के बहुत से तरीके ईजाद किए जाते हैं नए नए। लो जी, हमने ढूंढ लिया C41 गेट नंबर, सामने अभी बंद है। अच्छा खासा चलने के बाद हम पहुँचे हैं यहाँ पे, ये चार्जर भी लगे हुए हैं इस तरह के, आप चार्जिंग वगैरह कर सकते हैं, स्विच लगे हुए हैं, ये बैठने के लिए इस तरह जगह बनाई हुई है, बहुत बड़ा हॉल है। उस साइड पे अब बोर्डिंग कार्ड दिखाना है और वो आधा हिस्सा ले लेंगे अपने पास और फिर हम कतर एयरलाइन के अंदर जा सकते हैं। लाइन लग चुकी है, मैंने कहा लाइन ख़त्म हो जाए, पहले चल चल के हम थक गए हैं तो इसीलिए मैंने कहा लाइन ख़त्म हो जाए उसके बाद फिर हम चलते हैं आगे। यस प्लीज। यहाँ से बसें चलती हैं, शटल बस आ गई है, शटल बस के ऊपर बैठते हैं और सामने चलते हैं, थोड़े से ही फासले के ऊपर जहाज ठहरा होगा। मौसम बहुत ही प्यारा हो गया, पीछे बस ने शटल ने हमें यहाँ पे उतारा और सीधा अब हम आगे की तरफ चल रहे हैं। कतर का छोटा एयरलाइन, अच्छा जी यहाँ पे तो बिल्कुल वो जैसे होता है ना कि ट्रैफिक के इशारे का इंतजार किया जाता है, बिल्कुल सेम इसी तरह यहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं जहाजों की, अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं उड़ने के लिए, तो अभी हमारी बारी आने वाली है। उसके पीछे देखें, उसके पीछे यार 3 जहाज और ठहरे हुए हैं, ये जहाज और ये वाला जहाज, ये दोनों बारी का इंतजार कर रहे हैं, जब हमारा जहाज उड़ेगा उसके बाद इनकी बारी आने वाली है। ये अभी ये स्पीड की झटका लगता है अच्छा खासा, 400 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार होती है जब ये फ्लाई करते हैं और हवा की अपोजिट साइड में उड़ना होता है इसे। जगह पे ऐसे लगते हैं जैसे ज़मीन पे बर्फ़ ही बर्फ़ हो और ऊपर आसमान साफ और दूर दूर तक आपको सफ़ेदी नज़र आ रही है, बहुत ही खूबसूरत व्यू देखने को मिल रहा है यहाँ से, हालांकि ये पूरी की पूरी बादलों की चादर बनी हुई है। ये चम्मच दे दिए हैं, चम्मच के साथ टिश्यू है और ये और साथ आधे पे नमक और आधे पे मिर्चें और साथ ही ये वो तरतीब आ गई जो पहले थी, दही और इस साइड पे खरबूजा भी आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
दो घंटे का ये सफ़र था हमारा, दो घंटे के बाद हम पहुंच चुके हैं सीधा मदीना एयरपोर्ट। इधर भी एक बहुत बड़ी गैली है, आप पैदल चल के जाएं या इधर इलेक्ट्रिक बेल्ट लगा हुआ है उसके ऊपर चल के जाएं। एयरलाइन की टिकट की बात की जाए तो वो तकरीबन इस टाइम जो चल रही है पाकिस्तान से रिटर्न टिकट 2 लाख रुपए की चल रही है और इसका फेयर हर वक्त मुख्तलिफ होता है। हमने ये टिकट बहुत कम पैसों में ली थी क्योंकि ये टिकट हमने 3 महीने पहले बुक कर ली थी, तो इस तरह के सीन भी चलते रहते हैं। ये छठा कोई बेल्ट है जिसके ऊपर हम इस टाइम जा रहे हैं और यहाँ पे आगे ग्रुप जा रहा है यमन का और उस साइड पे साउथ अफ्रीका के लोग जा रहे हैं और इस साइड पे पाकिस्तान से हम आए हुए, तो मतलब कि पूरी दुनिया से लोग आ रहे होते हैं इस सारे के सारे उमरा करने के लिए जा रहे हैं। क्या ही बात है, ना जाने और कितने बेल्टों पर इस तरह सफ़र करना पड़ेगा यार। अच्छा जी, खैरियत से आए हैं। आने के बाद जो है ना इमिग्रेशन के अंदर अच्छा खासा रश था, यहाँ पे तो खवातीन इमिग्रेशन ऑफिसर हैं जो उस वक्त देखती हैं, तो उन्होंने फिर हाथ वगैरह स्कैन किए, मेरे पासपोर्ट स्कैन करके मेरी पिक्चर बना के मुझे आगे भेज दिया। उसके बाद आगे जाके मैंने अपना सामान पिक किया, सामान पिक करने के बाद फिर उन्होंने चेकिंग की, चेकिंग करने के बाद कोई इशू नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। चेकिंग करने के बाद हम बाहर आए, बाहर आए तो कुछ खवातीन ठहरी हुई थी, वीज़ा ऐसे लग रहा था जैसे कोई मतलब हमारे वीज़े के ऊपर कोई सिम निकलवाना चाहते हैं, इस तरह का मतलब फील हो रहा था क्योंकि हम सारा प्रोसेस पूरा करके आ गए थे। उसके बाद फिर उनको वीज़ा दिखाया, खवातीन ने पिक्चर बनाई, पिक्चर बनाने के बाद फिर हम, फिर वो कह रहे थे कि हम सऊदी वजारत से हैं जो उम्रा की वजारत है उससे, तो उसके बाद हम आए बाहर यहाँ पे आए तो यहाँ पे कुछ और फिर लोग मिल गए कि आप वीज़ा दिखाएं, आप ऐसे बाहर नहीं जा सकते। और यार हमने कहा हम क्यों नहीं जा सकते, हम अपनी मर्ज़ी से टैक्सी बुक करेंगे, नहीं हम टैक्सी बुक करके देते हैं। ये कुछ लोग ठहरे हैं जो बाहर निकलो वीज़ा लगा देते हैं, मांगना शुरू कर देते हैं, हालाँकि यहाँ पर नहीं चेक कर सकते। ये लोग सऊदी वजारत हज उमरा से हैं, ये आपका वीज़ा देखकर इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि आपने अपने वीज़े के साथ ट्रांसपोर्ट भी ली थी या नहीं। अगर ट्रांसपोर्ट ली थी तो फिर ये आपको आपकी बस तक पहुंचा के आते हैं, मतलब आपकी हेल्प करते हैं ये लोग। वजारत हज वाले इन्होंने वीज़ा शीज़ा मांगा तो हमें परेशानी हुई, ठीक है ब्रदर चेक करो। तो ये हमें लेके जा रहा है, जिस कंपनी के साथ आप आते हैं और उस कंपनी का आपको वीज़ा मिला हुआ होता है तो उसके अंदर ट्रांसपोर्ट शामिल होती है, तो ये आप ट्रांसपोर्ट वहीं देंगे, हमें बस पे बिठाएंगे, तो ये तरीकाकार है। पहले इसीलिए ये वीज़ा देख रहे थे, मैं परेशान हो गया, पता नहीं एक के बाद एक आ जाते हैं, वीज़ा दिखाओ बंदा परेशान हो जाता है। वेलकम, तो ये तरीकाकार है बिरादर। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी इंडियन काम करने के लिए आते हैं, तो आप काम करने के लिए आएँ, बाहर टैक्सियाँ ठहरी हुई होती हैं, उन्हें बोल दें कि यार हमें उस फ्लैट पर ले चलें जहाँ पाकिस्तानी रह रहे होते, तो हम वहाँ पर रहना चाहते हैं, वहाँ पे जाके आप रिहाइश रखें, दूसरे दिन किसी के साथ मतलब वहाँ पे रिहाइश रख लें और दूसरे दिन आप काम पे चले जाएं, तो कोई इशू नहीं होता इंशाल्लाह। मैं वो दिखाऊंगा कि किस तरह रिहाइश रखी हुई होती है, किस तरह काम कर रहे होते हैं। तो खैर, वेलकम करते हैं आपको सऊदी अरब के अंदर। ओके, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, बहुत बड़ी होगी है, तो दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नई वीडियो में इंशाल्लाह। मदीना पाक मुनव्वरा की दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।